finally get a taste of the race. You'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. देखो सबसे पहले आ जाते हैं लाइटों पर। स्टॉप लाइट दिख रही है? बिल्कुल। चेकर दिख रही है? एमआईएल दिख रही है? एमआईएल दिख रही है। तीन लाइट होती है जो गाड़ी के अंदर खराबी पकड़ती है। अच्छा जी, एक तो चेक लाइट, स्टॉप लाइट, स्टॉप लाइट और जी एमआईएल। एमआईएल चेक मतलब गाड़ियों को दिक्कत आ रही है, स्टॉप मतलब इंजन में कोई खराबी हो, एमआईएल छोटी छोटी कमी पकड़ लेती है, कोई भी नेक्सी मिस्टेक आ जाए तुरंत एमआईएल जल जाएगी। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर ओनली। कोई वर्कशॉप में लाना पड़ेगा, लैपटॉप लगेगा तब मालूम पड़ेगा, तब पता पड़ेगा क्यों जल्दी क्या खराबी आई है। ठीक है, एक कंडीशन आती है, आपने गाड़ी लगाई, स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद एमआईएल अप्लाई कर रही है थोड़ी देर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ जाएगी। अब वो ही नहीं शो कर रही है, मीटर बार बार दिख रही है, तो आपको वर्कशॉप लानी पड़ेगी। ठीक है, जो हो गया इंजन से रिलेटिव को नहीं। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, रिजर्वेशन कहाँ गया जरा। सेम जी सिंबल है, सेम यहाँ पर ये रहा है, तीन कलम चलता है, पहला हरा, फिर पीला, फिर लाल, और तीनों का अलग अलग मतलब है। जब गाड़ी आपके रास्ते में चल रही होगी ऑन रोड, तब ये हरे कलर में चलेगी, ये वाली बत्ती। समझ लेना गाड़ी के अंदर 10% या 20% पोल्यूशन होगा, वो रनिंग कंडीशन साफ कर देगी। ड्राइवर कुछ ना करना, वाहन को चला के रखना है हरी वाली लाइट पर। ठीक है, ऑटोमेटिक रिजर्वेशन हो जाएगा। बाई चांस तुम्हारा स्टॉप आ जाता है, ये लाइट फिर भी चल रही है हरी, तो गाड़ी साइड में खड़ी कर लेना, चालू छोड़ देना, अगर बंद कर दी तो मेरे रुक जाएगा प्रोसेस। ठीक है, नंबर दो फिर आते पीले कलर पे, दूसरे वाले पे। पीला कलर मांगता है मैनुअल पार्क रिजर्वेशन, जिसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है गाड़ी का साइलेंसर साफ करने के लिए, जब साइलेंसर 80% तक बढ़ जाता है पोल्यूशन से, जब उस कंडीशन में क्या करना है कि गाड़ी का साफ करना है। कैसे करोगे? पहला जगह चेंज करनी है, गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, साफ सुथरी हो, नीचे पक्की जमीन हो, सूखी घास वगैरह या कोई पॉलीथिन वगैरह या गाड़ी के बगल में गाड़ी इन चीजों पर नहीं करोगे, एकांत जगह चाहिए, पक्की जमीन चाहिए। पक्की के बाद फिर आपको सबसे पहले आपको न्यूटन करनी है, फिर हैंड ब्रेक लगानी है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, न्यूटन करना है, उतरना है ड्राइवर को। न्यूटन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर चेक करना है, अगर टेम्परेचर कम है तो 5 मिनट के लिए हल्का एक्सीलेटर लेकर टेम्परेचर बनाना है। 5 मिनट के बाद ये बटन दबानी, 5 सेकंड ये वाली नीचे प्रेस करके रखनी, 5 सेकंड तक। 5 सेकंड जैसे तुम 5 सेकंड बटन दबाओगे, पीली लाइट हरी में बदल जाएगी, रिजर्वेशन दिखाया जाएगा, गाड़ी एक्सीलेटर पकड़ना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे ही एक्सीलेटर पकड़ना स्टार्ट हो जाए तुरंत नीचे कर जाना और गाड़ी से दूर नहीं होना, गाड़ी के आरपीएम फुल रह जाएंगे। इसका वो समझाया जो पावर प्लेट, पावर इको, इको प्लस। अगर आपकी गाड़ी खाली चल रही है तो इको प्लस में चलाना, गाड़ी में 50% लोड है तो इको पर चलाना, 100% लोड है तो पावर में रहने देना। ओके, अनलोडेड 50% लोडिंग, 100% लोडिंग। ओके, अगर गाड़ी आपकी खाली चल रही है इस हिसाब से, कोई बटन नहीं दबा रही, डीजल खाएगी, लोड के हिसाब से खा जाएगी। ठीक है, ये स्पीड सेट करने का है, क्रूज कंट्रोल बोलते हैं इसे। जैसे आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है, रोड प्लान हो, तो ये बटन दबा देना, एक्सीलेटर से पैट रहा है, स्पीड में रुक जाएगी। ओके, और फिर इससे बढ़ेगी ये। ठीक है, स्पीड उससे ही बढ़ती है। हाँ, इससे बढ़ेगी, एक्सीलेटर हटा देना, एक्सीलेटर पैर इससे बढ़ेगी और इधर घटेगी, इधर बढ़ेगी, इधर घटेगी। बाकी सब सही है, और कुछ तो है नहीं इसमें बाकी। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो थोड़े से।
इधर आया गुरु, इधर आया गुरु। मामा एक बार में फोड़ देना। बोलो काटू साम बाबा की।